सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम नीला सलाम। साथियों, मैं आज आप लोगों से बात करने के लिए आया हूँ। हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री हेमा मालिनी जी, जो कि वो एक वोट मांगने के लिए राजनीति के जब माहौल में आई तो शायद उनको किसानी याद आ गई, तो वो खेत में गई हैं। अब आपको बताना चाहता हूँ कि एक किसान खेती और किसानी के बारे में एक किसान ही जानेगा और नहीं कोई जानेगा। आपको बताना चाहता हूँ, कभी भी आप देखे होंगे कि गेहूं, जिसको बोला जाता है गेहूं, जब उसको काटा जाता है तो उसको नीचे के जो नीचे वाला हिस्सा रहता है वहां से काटा जाता है। और हेमा मालिनी जी जो हैं वो क्या क्या कर रही हैं, सिर्फ दिखावट के लिए वो क्या की हैं, ऊपर से जाके बाल को काट रही हैं। ये एक बात ये मुझे बताइए मैडम, ये किसानी थोड़ी ना होता है। मैं किसान का बेटा हूँ, मुझे पता है किसानी कैसे होती है और कैसे खेत को काटा जाता है, कैसे गेहूं को काटा जाता है। ये आज इनको वोट की पड़ी है तो आज इनको किसानों का खेत याद आ गया, इसके पहले इनको किसानों का खेत नहीं याद था। तो सभी साथियों से ये मैं बताना चाहता हूँ कि वोट मांगने के लिए कैसे कैसे मतलब चीजों से ये लोग कहाँ तक पहुँच जा रहे हैं। कोई पहुंच जा रहा है दलितों के घर पे खाना खिलाने के लिए, तो कोई पहुंच जा रहा है किसानों के खेत में काटने के लिए गेहूं। तो आप लोग खुद सोच सकते हैं, मेरी बातों को समझ सकते हैं कि अभिनेत्री हेमा मालिनी जी जो कि वो खेत में पहुंची, अब आप सोचिए कि जो इंसान हेलीकॉप्टर से चल रहा है 24 के 24 घंटे वो एसी में रह रहा है, वो जाके किसानों के खेत में क्या नाम है, एक दिखावट के लिए, एक फोटो खिंचवाने के लिए वो क्या नाम गेहूं को काट रहा है। आप लोग खुद सोचिए कि गेहूं नीचे से काटा जाता कि ऊपर से काटा जाता। गेहूं जब भी काटा जाता, चाहे वो गेहूं हुआ चाहे वो धान हुआ, उसको नीचे से काटा जाता है। और ये मैडम क्या की है, जाके उसको ऊपर से काट रही है। अब आप लोग सोचिए कि वोट के लिए क्या क्या कर रहे हैं लोग, आप लोग खुद सोच सकते हैं। बीजेपी के लोग क्या कर सकते हैं, मथुरा से चुनाव लड़ रही है, अब मथुरा से चुनाव लड़ने के बाद वो खेत में पहुंच गई। पहले वो फिल्म में थी, फिल्म से उसके बाद वो राजनीति की दुनिया में पहुंची, उसके बाद राजनीति की दुनिया से पहुंच गई खेत में किसानी करने के लिए। कुछ दिन में और कुछ आएगा, और नाली साफ करने के लिए कोई आ जाएगा। तो साथियों, इस बात को हम लोगों को समझना पड़ेगा, जब हमारे किसान भाई हैं, जब हमारे खेत जो हमारी फसल जो होती है वो नुकसान हो जाती, तो कोई भी हमें नेता, कोई भी अभिनेत्री, कोई भी एक्टर, कोई भी हीरो हम लोगों को मुआवजा देने के लिए नहीं आता। लेकिन आज वोट की पड़ी है तो हर कोई आ रहा है हम लोगों के पास। तो सभी साथियों से ये मैं बात करने के लिए आया था कि वोट के नाम पे किस तरीके से लोग बहला रहे हैं और फोटो खींच कर यूट्यूब पे, फेसबुक पर, हर किसी चीज़ पर चढ़ा रहे हैं। और मीडिया के लोग ये भी दिखा रहे हैं कि कैसे पहुंची उनके खेत में, किसान के खेत में, और क्या नाम वहां पर गेहूं काटने के लिए। आप खुद समझिए इस बात को कि अगर किसी को गेहूं काटना ही है तो वो चीज नीचे से काटेगा कि ऊपर से काटेगा। आप एक पौधे को देख लीजिए कि अगर जब उसका ऊपर वाला भाग होता है इसलिए काटा जाता है कि वो, ताकि उसके अगल बगल में अगर घर होता है तो उसको ऊपर वाला भाग काट दिया जाता, नहीं तो उसको भी नीचे से काटा जाता। और वो गेहूं है, उसका जो है जो भी चीज होता है, जो गेहूं के जो मतलब जहां से गेहूं निकलता है वो ऊपर के हिस्से में होता है, उसको जड़ से काटा जाता है। जड़ के बाद उसमें भूसा निकलता है जो कि जो गाय होती है, भैंस होती है, उसको खिलाया जाता है, जानवरों को खिलाया जाता है। तो ये क्या कि ऊपर से ही जाके काटने लगी। अब आप सोचिए वोट मांगने के लिए क्या क्या तक लोग गुजर जा रहे हैं। वैसे अभिनेत्री, मैं हेमा मालिनी जी से भी कह देना चाहता हूँ एक बात कि आपको किसी चीज की तो कमी भी नहीं थी, आप पता नहीं क्यों चले आए राजनीति, आइए अच्छी बात है, लेकिन आप लोग दिखावे के लिए मत काम कीजिए, अच्छे के लिए काम कीजिए तो अच्छा होगा। अब आपको बता दूं, एक बीजेपी की एक कुछ लोगों ने बीजेपी का क्या किए, एक औरत को बोले कि आप अपना काम छोड़ दीजिए और काम छोड़ने के बाद आइए हमारा प्रचार कीजिए, 400 रुपया दे देंगे और क्या नाम एक साड़ी दे देंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बेचारी और रोते रह गई। तो वोट मांगने के लिए किस हद तक लोग गुजर रहे हैं, इस बात को हम लोगों को समझना पड़ेगा साथियों। और सभी साथियों से ये मैं बात करने के लिए आया था कि जितने भी लोग बहलाएंगे फुसलाएंगे, उन लोगों के बहलाने और फुसलाने में मत आप जाइएगा। आप लोग दिमाग से सोचिएगा कि कौन हमारे देश के लिए
अच्छा कर सकता है हमारे जिले के लिए, हमारे गांव के लिए। तो सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम मिला सलाम। इस मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। जय भीम, जय जय भीम, बाबा जय जय भीम।